अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कोई सेशन नहीं हो रहा, राइट? काफ़ी बच्चे वीडियो को देख के सोचेंगे सेशन रख लिया, स्टेटस नहीं लगाया, हमें नहीं बताया, ठीक है, और गर्ल्स को आपने इनवाइट कर लिया तैयारी के लिए, तो सेशन ही है। ये लड़की है समीता, कहाँ से हैं? सारपुर। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इसका शुक्रिया अदा करना, आप सब गर्ल्स की सीट इसकी वजह से कन्फर्म हुई है। इसने आना था और बाबर SMS कर रही थी, इसने एग्री किया अग्रवाल को, तो मैंने कहा बाय वन गेट मैनी गर्ल्स फ्री, ठीक है, तो एक के साथ बाकी सबको बुलाना मैंने शुरू कर दिया। तो जितने भी SMS आ रहे थे मैं उनकी सीट्स कन्फर्म करी जा रहा था और सब एक ही टाइम पर पहुँच गई गर्ल्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जहन में ये उठता है कि सरकार हमसे नहीं मिल पाते, हम उनके पास नहीं आ पाते या रिप्लाई नहीं आ पाता, हम खुद कैसे फैसला करें कि हमको कहाँ जाना चाहिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन तमाम गर्ल्स के लिए जो मेरे तक नहीं पहुँच पाती या जिन्हें मेरा नंबर ही नहीं मिलता या मैं उन्हें बुलाता ही नहीं हूँ, ठीक है, तो वो कैसे फैसला करें कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। अब जो बातें बोलने लगा हूँ उन्हें ठंडे दिमाग से हमने सुनना है। देखो, लड़की के लिए सबसे बड़ा ताना क्या होता है? तुम मोटी हो, तुम्हारा कद छोटा है या तुम्हारा कद बड़ा है, तुम्हारी नज़र कमज़ोर है या तुम्हारी नज़र कमज़ोर नहीं है, वट एवर अलग अलग सर्कमस्टांसिस बनाए जाते हैं उसे ब्लेमिंग करने के लिए। और ये ब्लेमिंग स्टार्ट होती है अपने घर से, चाहे भाई करे, चाहे वालदेन करे या कोई और करे, या अगर बच्ची फेल हो जाती है तो ब्लेमिंग की जाती है कि तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम कामयाब हो ही नहीं सकती, तुम्हारा रिश्ता कर दें, शादी कर दें, बस दूसरे के हवाले हम कर दें। इस तरह करके अलग अलग सर्कमस्टांसिस पैदा होती हैं। लड़की के पास इन सब परेशानियों के से तीन ही हल होते हैं। पहला हल होता है कि मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि मेरे घर वाले पढ़ने की इजाज़त नहीं देते। दूसरा हल ये होता है कि मैं नौकरी पे अप्लाई नहीं कर सकती, सर मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते। ये बात हुई है कल एक लड़की नारोबार की है फरा, उसने हमें SMS किया कि मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते, मैं नौकरी के लिए कैसे अप्लाई करूँ। मैंने कहा अप्लाई तो गूगल से होना है, बाहर जाकर तो अप्लाई होना ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं गूगल से अप्लाई भी कर दूँ तो मेरा टेस्ट कैसे पास होगा? टेस्ट पास कैसे होगा? नेट से आप तैयारी कर सकते हो। जब आप लोग अपने रास्ते नहीं निकालते तो फिर आपके रास्ते निकलते भी नहीं हैं। एक लड़का मेरे पास आया, उसने कहा कि सर मेरा AFNS में जाने का बड़ा ख्वाब था लेकिन ख्वाब पूरा नहीं हो सका क्योंकि मेरा अंगूठा कट गया था, पट्टे काट रहा था और उसमें आया और मेरा अंगूठा कट हो गया। मेडिकली मैं अनफिट हूँ। मेडिकली क्या हूँ? अनफिट हूँ, मैं AFNS में नहीं जा सकता। मैंने कहा किसने बोला? ये आपके लिए पॉइंट है। किसने बोला? कहता मेरे दोस्त ने। मैंने कहा और? कहता मैं AFNS ऑफिस गया सेक्शन सेंटर, वहाँ से पता किया, उन्होंने कहा आप अनफिट हैं, आप नहीं आ सकते। मैंने कहा फिर? कह रहा मैंने जाने की ख्वाहिश छोड़ दी। मैंने कहा आप जा सकते हो? तो हैरान होकर मुझे देख रहा है कैसे जा सकते हो, और नाउ दिस टाइम ही इज़ डूइंग जॉब इन पाकिस्तान AFNS, ऑलरेडी जॉब कर रहा है। मैंने कहा वैसे सिविलियन जा सकते हो? कहता ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मैंने कहा सिविलियन में ना मेडिकल है, ना हाइट है, ना नज़र है, बस आप जिंदा होने चाहिए, ठीक है, मरा हुआ इंसान नहीं, जिंदा हो, ठीक, उम्र भी आपकी 30 साल के दरमियान है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको क्वार्टर नहीं मिलेगा तो GP फंड मिलेगा, उसके रेंट अलाउंस मिलेगा, सैलरी मिलेगी, और आप AFNS और नेवी का क्या बन जाओगे? पार्ट बन जाओगे। तो जैसे ही मैंने उसे बताया देन उसने समझ आ गई कि मैं जा सकता हूँ, उसने अप्लाई किया। आप सब लोग जब ये कहते हो ना कि वहाँ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, मैं नहीं जा सकी, आप सबके सराउंडिंग जितने लोग थे ना उनमें से भी कोई एक्सपर्ट नहीं था, बुरा मानिएगा, एक्सपर्ट नहीं था। अगर एक भी एक्सपर्ट होता अपनी फील्ड का आपको गाइड करने वाला, पॉसिबल ही नहीं कि आप नाकाम हो जाओ। ये इम्पॉसिबल है कि आप फेल हो जाओ, ये इम्पॉसिबल है कि आपको जाओ फेल हो जाओ, अगर गाइडिंग पर्सन समझदार है और गाइडिंग पर्सन को आपकी कामयाबी से प्यार है कि वो चाहता है कि आप वॉलंटरी कामयाब हो, अपनी मर्जी से क्या हो जाओ, कामयाब हो जाओ। लेकिन एक शख्स गाइड करने वाले के दिल में जेलसी है, खुदगर्जी है, वो चाहता नहीं कि आप कामयाब हो, चाहता नहीं आप किसी मुकाम तक पहुँचो, तो वो आपको प्रॉपरली कभी गाइड ही नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अब ये बात थोड़ी कड़वी है, आप स्कूल जाते हो मैट्रिक के बाद, किसी भी टीचर से मिलते हो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत टीचर्स आए, ठीक है, सर फर्स्ट ईयर में क्या करूँ? आप प्री मेडिकल वाले टीचर के पास जाओ, कहो फर्स्ट ईयर में क्या करूँ, क्या बोलेगा? प्री मेडिकल करो। आप प्री इंजीनियरिंग वाले टीचर के पास जाओ, सर मैं क्या करूँ, क्या बोलेगा? प्री इंजीनियरिंग करो। ऐसे वाले टीचर, वो उनमें से कोई भी आपको वो मशवरा नहीं देगा जो रियलिटी बेस है। और अगर आप किसी मोटिवेशन स्पीकर के पास चले जाओगे तो वो कहेगा अच्छा तुम ना फ्री लांसिंग कर लो, तुम ऑनलाइन अर्निंग करो, तुम ऑनलाइन वेबसाइट डाउनलोड करो, तुम मेरे लेक्चर सुनो, 5,000 की बुक्स लो, ये लो वो लो, लीडर बन जाओगे तुम, वो एक नई वक्री कहानी सुनाना शुरू हो जाएगा। असल में होता क्या है, जब आप उस शख्स को जो आपके बारे में फैसला कर रहा है उसे यही नहीं पता कि आपकी ज़ात क्या है, आपके घर का माहौल क्या है, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, आप सब बेडबट्टा लेते हो नहीं लेते, आप पेंट शर्ट पहनते हो या अबाया पहनते हो, आपके क्या सर्कमस्टांसिस हैं, आपके बुक की कितनी तनख्वाह है, तो वो आपके बारे में फैसला कैसे कर सकता है?
منہ اٹھا کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس چیز میں سکوپ ہے یہ کر لو. یہ الفاظ ہی غلط ہیں. سننے والے یہ بس ذہن میں رکھیں, اکثر یہ الفاظ بولا جاتا ہے کہ آئی ٹی میں سکوپ ہے آئی ٹی کر لو. سکوپ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے اگر اس فیلڈ کے بارے میں آپ کو معلومات ہیں. ایک بچہ سمپل بی اے کر کے سی ایس ایس پاس کر کے افسر بن جاتا ہے, اس نے تو نہیں ایم فل پی ایچ ڈی آئی ٹی کیا, اس نے تو 4 سال کی ڈگری بھی کوئی نہیں کی اور بی اے بھی اس نے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ کیا. وہ کیسے بن گیا؟ اسے پاتھ پتا تھا اپنا. کیا پتا تھا؟ پاتھ, رستہ اسے پتا تھا اپنا, اس لیے وہ وہاں تک پہنچ گیا. اگر آپ کو رستہ نہیں پتا ہوتا تو مشکلات ہوتی ہیں. اب رستے کے بارے میں کیسے جاننا ہے اگر آپ لوگ گھر بیٹھے ہیں؟ سب سے پہلے رجسٹر پہ لینا ہے, 4-5 چیزیں لکھنی ہیں. پہلا پوائنٹ یہ لکھنا ہے جو کہ آپ کے گھر والے کتنے سال تک آپ کو برداشت کر سکتے ہیں. لڑکوں کے لیے یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, کتنے سال تک برداشت کر سکتے ہیں. برداشت کا مطلب ہے کتنے سال تک وہ آپ کے خرچے اٹھا سکتے ہیں, 2 سال کے لیے, 3 سال کے لیے, 4 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, کیونکہ یہ چیزیں ڈپینڈ کریں گی میرے لیے فیصلہ کرانے میں آسانی ہوگی کہ میں آپ کے لیے فیصلہ کیا کروں. اگر آپ کے بابا بیمار رہتے ہیں اور آپ کرائے پہ رہتے ہو اور آپ کے لیے گھر کا کرایہ دینا مشکل ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس وقت بہت کم ہے. اپنے ڈریم کو دفن کر دو اور ڈیزائر کو اوپر لے کے آ جاؤ. سر کامیاب ہونا میری مجبوری ہے, ضرورت نہیں ہے. اس عمر میں کھیلنا چاہتی ہوں لیکن میں فورسز میں جا رہی ہوں کیونکہ میرے بابا کی طبیعت خراب ہے. لاجیکل پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ سر میں گھر والوں سے بڑی تنگ ہوں, یوں کسی طرح بھرتی کے ارادے میں چلے جاؤں. یہ ایک اور لاجیکل پوائنٹ ہے اپنا کہ گھر والے ٹارچر کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, واٹ ایور کچھ ہو سکے. کچھ ایسے ہوتے ہیں گھر والے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں, لیکن اب جیسے ایک لڑکا ہے جا کے کہتا ہے کہ میں سی اے کروں. میں نے کہا سی اے چارٹر اکاؤنٹنسی؟ کہہ رہا ہے یس. میں نے کہا آپ کے ابو کی سیلری کتنی ہے؟ کہتا 50,000. میں نے کہا سی اے نہیں کرنا, سی اے کی 6 منتھ کی فیس ہی 70-80,000 ہے. یہ کیا کرے گا؟ باپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے گا. باپ پیسے لے گا ادارے یا گاؤں کی زمین بیچے گا بچے کو سی اے کرانے میں, اور بچے سے سی اے ہوگا ہی نہیں کیونکہ بچے کو وہ فیسلٹیز نہیں ملیں گی جو سی اے کرنے والے کو چاہیے ہوتی ہیں. اگر ایک بچہ سی اے کرنا چاہتا ہے تو سی اے کرنے والا جس ٹیچر سے ٹیوشن پڑھے گا وہ ٹیوشن فیس بھی 30,000 ہوگی, اور سی اے کرنے والا بندہ 6 سال تک کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے, نہ شادی کروائے, نہ منگنی کرے, نہ کچھ, اور کمرے میں اے سی لگاؤ, فل فن ہے, سب چیزیں دی جائیں, پھر جا کے وہ سی اے کر پائے گا, ورنہ سی اے نہیں کر پائے گا. اسی طرح آپ سب لوگوں کو اپنے گھر کے بارے میں پہلے چیک کرنا ہے اور وہ دیکھنا ہے جو سچ ہے. جیسے کہ اگر آپ کے پیرنٹس کہتے ہوں او بیٹا تو پڑھ, ہم تیرا خرچہ افورڈ کر لیں گے, اور آپ کو پتا ہو کہ یار یہ حوصلہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن گھر کے حالات لگ رہے ہیں کہ خرچے نہیں ہیں, تو پھر بیٹا جو ڈریم ہوتا ہے نا اسے دفن کر دو. کیا کر دو؟ دفن. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا خواب تھا ٹوٹ گیا. بھاڑ میں جائے ٹوٹ گیا تو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا تو 2 میں سے 1 کے خواب پورے ہوتے ہیں, یا تو میں اپنا کر لوں یا آپ کا کر لوں. کبھی دونوں کے خواب پورے ہوئے ہیں؟ نہیں. یا تو اپنا خواب پورا کر لو یا والدین کو سپورٹ کر لو, 2 میں سے 1 کام ہے. والدین کو سپورٹ کرنی ہے تو اپنے خواب کو دفن کرنا پڑے گا, پھر مجبوری میں جو ملے اسے حاصل کرنا پڑے گا, پھر جانا پڑے گا. لیکن اگر مجبوری نہیں ہے اور گھر والے ویل اسٹیبلش ہیں, فائنینشلی اسٹرانگ ہیں, تو پھر لانگ ٹرم بھی آپ کے پاس ایک پات ہو سکتا ہے کہ میں یہ نہیں یہ کر لوں گا, یہ نہیں یہ کر لوں گا, یہ نہیں یہ کر لوں گا. سیکنڈ پوائنٹ, ہر لڑکی جی ڈی پائلٹ بننا چاہتی ہے, ڈاکٹر بننا چاہتی ہے, الیکٹرک انجینئر بننا چاہتی ہے, ایئر فورس آرمی میں جانا چاہتی ہے, پولیس میں جانا چاہتی ہے. ہر لڑکی کے الگ الگ خواب ہیں. لڑکی کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے زندگی میں ایک ایسے شخص کو تلاش کرنا جو اس سے سچ بولے, کیونکہ لڑکیوں کی لائف میں اس کی جتنی دوستی ہوتی ہیں وہ سب اس سے وہ بھی سچ نہیں بولتی. کیونکہ برا نہ مانیے گا, لڑکیوں کو جھوٹ سن سن کے اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ جھوٹ کو ہی سچ سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں, اور غلطی سے اگر ان کے سامنے کوئی 10 میں سے 1 سچا بندہ آ جائے تو وہ اسے دوستی توڑ دیں گی, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, حالانکہ وہ سچ بول رہا ہے اور باقی 9 جھوٹ بول رہی تھی. باقی 9 کیا بول رہی تھی؟ جھوٹ بول رہی تھی. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کرنا ہے, اور آئینے کے سامنے کھڑے کر کے آپ نے دیکھنا ہے کیا میری لک کیسی لگ رہی. اکثر میں SMS کرتا ہوں کہ سینڈ یور پکچر. آپ لوگ سوچتے ہوں گے, لڑکے بھی سوچتے ہوں گے کہ پر پکچر سے کیا لینا دینا, ڈگری سے لینا دینا ہونا چاہیے. سر پوچھیں MBA کیا تو یہ کر لو, ہیں یہ کر لو وہ کر لو. سر کہتے ہیں پکچر سینڈ کرو, اور اسی ٹائم پکچر سینڈ کرتے کہہ دیتے ہیں تم نے ابھی میں نہیں جانا, تم نے یہاں جانا. یہ کیا سسٹم ہے؟ دیکھو سمپل سی بات ہے, آپ نے جی ڈی پائلٹ جانا ہے اور آپ کی ہائٹ ہی نہیں ہے, ہائٹ ہے ہی نہیں تو جا سکتے ہو؟ نہیں جا سکتے نا, فیل ہو جاؤ گے. ایک میڈیکل میں لڑکی کا وزن چاہیے 50 کلو اور وزن ہے 35 کلو, کیا وہ جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. تو پھر اس خواب کو دیکھنے کے لیے 35 سے 50 کرو. میں اگر کسی کو بولتا ہوں نا کہ تم نہیں جا سکتے, میرا مطلب یہ نہیں ہوتا اسے فیل کرنا, میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس حالت میں اس ٹائم تم ہو اس حالت میں نہیں جا سکتے.
अब इस हालत में तुम मेहनत करो, जान लगाओ, आर्मी की तैयारी करो, मेरे से इनिशियल पास कर लोगी आप। डॉक्टर तैयारी करोगे, इनिशियल पास, मेडिकल पास, इंटरव्यू में गए फेल, फेल होने के बाद क्या बोलोगे? मेरी किस्मत में नहीं था। ये झूठ है भाई। भला अल्लाह को क्या मिलेगा तुम्हें रिजेक्ट करके? कभी सोचो, अल्लाह को क्या मिलेगा तुम्हें फेल करके? अल्लाह का कोई तुम्हारा मुकाबला चल रहा है क्या? नहीं ना। अल्लाह तुम्हें हराना चाहता है? नहीं। तुम्हारे फेल होने की वजह ये थी कि तुमने अपने आप को चेंज ही नहीं किया। जिस हालत में थे उसी हालत में उठ के चले गए। हाँ जी रख लो मुझे। क्यों रखें वो तुम्हें भाई, क्यों रखें वो तुम्हें? तुमने उठना बैठना चलना फिरना तब्दील ही नहीं किया अपना, यही चेहरा उठा के चले गए आप। जो लोग अपने ऊपर स्ट्रगल नहीं करते, अपने ऊपर एफर्ट नहीं करते, वो लोग आगे नहीं पहुँच पाते। समझ आ रही है? आप फिल्म इंडस्ट्री में देखो आमिर खान, एज कितनी है उसकी? 63 या 67 होगी इतनी एज। 67 एज का आमिर खान लुक कैसे है उसकी? कितनी एज का लगता है वो? 30-35। उसकी वजह क्या है? डाइट प्लान। क्या है? डाइट प्लान। एक्सरसाइज से मैंने आपको रोका था ना। हाँ, डाइट प्लान बेस्ट होता है। लड़कियों के दिमाग में एक चीज़ होती है कि हम रोटी खाना छोड़ देंगे तो पतले हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। रोटी खाने से आप पतले नहीं होते, आप फूलते हो, आप मोटे नहीं होते। ये आपके जिस्म जो थोड़ा, अगर किसी का हेल्दी हो जाता है तो वो हेल्दी होता है डिप्रेशन की वजह से। वो लड़की टेंशन लेती है ज़्यादा, सोचती ज़्यादा है, और सोचने ज़्यादा होने की वजह से वो खाना छोड़ देती है। जब वो खाना छोड़ देती है तो जिस दिन गुब्बारे में हवा नहीं भरी जाती, वो अंदर से कमज़ोर है। आपको दिखने में लगेगा सेहतमंद है, कुश्ती लड़ लो। आप लड़के देख लो, वो एक मिनट में गिर जाएगी, क्योंकि वो टेंशन से फूली हुई है। डिप्रेशन ने उसे हेल्दी किया है। डिप्रेशन एक वायरस ऐसी चीज़ है जो वक्त से पहले आपको हेल्दी करना शुरू कर देती है। पेरेंट्स को देखो हेल्दी कैसे करती है, डिप्रेशन ही हेल्दी करते हैं। ठीक है, आंखों के जो ढलके आने शुरू होते हैं टेंशन में, बातें ये वो सब चीज़ें आपको तोड़ के रख देती हैं। अगला पॉइंट, आप जिस भी जो भी चीज़ बनना चाहते हो, कुछ भी तरफ जाना चाहते हो, क्या आप उसी टीचर से तैयारी करते हो जिसने कभी किसी को वो बनाया? नहीं। जैसे कि एक लड़की है, उसे उसके चाचा जी ने उसे आके कहा कि बेटा प्री मेडिकल कर लो, और तायब उन्हें आके कहा कि प्री इंजीनियरिंग कर लो। उसने मुझे कॉल की, उसने कहा सर मैं क्या करूं? मैंने कहा चाचा जी क्या करते हैं? कहती प्लम्बर हैं। मैंने कहा तायब हो? कहती ठेकेदार हैं। क्या जब ठेकेदार और प्लम्बर से मशवरे लोगे तो यही होगा ना। मशवरा लेने के लिए जितना, जैसे आप सियालकोट से हो, जितना मर्जी लंबा सफ़र करना पड़े, डजंट मैटर भाई, 3 दिन का सफ़र करो, लेकिन मशवरा लेने के लिए एक ऐसे बंदे के पास जाओ जो रियलिटी में जानता हो लाइफ के बारे में। वो एक बारी स्केच बना के दे, एक बारी तुम्हें बताए तुम्हारा रास्ता ज़िंदगी में, तुम दोबारा उसके बाद तुम्हें जाना ही ना पड़े, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे रास्ते पर। तुम सबके आगे बैरियर क्यों बने हुए हैं? क्योंकि तुम सबको गाइड करने वाला बंदा ही कोई नहीं होता। मेरा अपना नज़रिया गर्ल्स के बारे में क्या है, 5 चीज़ें बताता हूँ वीडियो क्लोज करने के लिए। पहला नज़रिया ये है कि अगर आपकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है और जल्दी शादियाँ कर देती है और आपको पढ़ने भी नहीं देती, तो आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए घर बैठ के। और टीचिंग, गर्ल्स स्कूल में टीचिंग की जॉब, उसके लिए कोई भी मर्द भी मना नहीं करेगा, चाहे वो जितना मर्जी स्ट्रिक्ट हो। चाहे वो मदरसे का आलिम भी है ना, वो भी अपनी बीवी को गर्ल्स स्कूल में पढ़ाने की इजाज़त दे देगा। तो आप उस चीज़ को अवेल करो। अब आप कहोगे नहीं मेरी ख्वाहिश आईटी थी, भाई गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, बच्चों को आईटी सिखाओ, वहाँ अपनी ख्वाहिश पूरी कर दो, उन्हें फ्री आईटी का कोर्स कराओ, हेल्प करना शुरू कर दो गर्ल्स की। ठीक है, वो तरीके से आप टीचिंग में जा सकते हो। दूसरा पैटर्न, अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी प्राउड है और आपको इजाज़त देती है कि भाई आप जहाँ मर्जी जाओ, तो भाई इंटर के बाद अपने सेटल हो जाना है। कोई लड़की में जो नज़र ना आए ग्रेजुएशन करती हुई, ग्रेजुएशन से वही लड़कियाँ करें जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनना, जो कहते हैं कि हमने सिविल जॉब करनी है या टीचिंग में जानी है। वरना अगर कोई लड़की ये कहती है कि मैंने जी यूनिफॉर्म पहनना है या फोर्सेस में जाना है, तो भाई सेकेंड ईयर के से बाद ही सेटल होने की कोशिश करो। तुमने 21 साल की उम्र से पहले पहले फुल सेटल हो जाना है, और जिसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। स्केच बनाओ, मेरी सारी वीडियो को निकालो, एयरफोर्स आर्मी नेवी तीनों की देखो, उनमें देखो कि कौन कौन सी जॉब्स आती हैं। अगर इंटर लेवल पर अप्लाई करते हो आप नहीं सेलेक्ट हो पाते, आप मैट्रिक लेवल पर अप्लाई करो, सेलेक्ट होकर चले जाओ, आप डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाओ। जब हिस्सा बन जाओगे, बीच में जाके एक और चांस मिलेगा, उसे अवेल करो आप। लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री मार दो। जब जाना है तो फिर कश्ती को जला दो कि मैंने जाना है तो फिर जाना है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये नहीं देखना मेरे पास गाड़ी है, ये नहीं देखना मेरे बाबा क्या करते हैं, मेरा भाई क्या करता है, किसी की कोई चीज़ नहीं है। अगर वो गाड़ी है तो वो आपकी नहीं आपके बाबा की है, अगर आपके घर में पैसे हैं तो वो आपके नहीं आपके भाई के हैं, आपका खुद का क्या है? कंगली जेब है, कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है, जो तुम्हारी जेब में वो तुम्हारा है। और अगर तुम्हारी जेब में कुछ नहीं है तो अपनी हालत को आईने के सामने खड़ा करके देखो और समझो मैंने क्या करना है। अब सपोज करो एक लड़की इंटर के बाद अफसर नहीं बनती, जस्ट मैट्रिक करती है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है अलीशा। क्या नाम है? अलीशा। अरे बाजार में स्पीडो बस चलती है, आप बैठे हो गए स्पीडो में आए थे ना, स्पीडो बस के जो ड्राइवर हैं वो अलीशा के फादर हैं। अलीशा जो लड़की है उसकी जो सिस्टर है वो जिस तरह आप इनके साथ आ गई हैं, वो अपने मकसद के लिए मेरे पास आई तलाश करती हुई कि मैंने एयरफोर्स में जाना है। और उसने अपनी ये पिक्चर भी सेंड की एयरफोर्स की पायलट लड़की के साथ, फ्लैक्स था उसके साथ, और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उससे और मैंने उसे अगले दिन ही बुला लिया। मैंने कहा आ जाओ, जो जुनूनी लोग होते हैं ना पागलपन वाले उन्हें मैं जल्दी बुला लेता हूँ। हाँ, जो मुझे लगता है ना कि पागलपन है ये, बस मरने खपने के लिए तैयार हैं कि सर जी जो मर्जी करो हमें भर्ती कराओ, इन्हें मैं जल्दी बुलाता हूँ। जो तो ढीले होते ना, अब जैसे एक लड़का कल अगर मैं आर्मी में हो गया, मैंने कहा फिर सर अगर मैं होने के बाद मेरा दिल वहाँ पर ना लगा फिर, मैंने कहा अभी हुआ भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं दिया, अभी ट्रेनिंग पे गया भी नहीं है, अभी दिल पहले ही टूट गया। सर अगर मैं फिर आर्मी में जाके क्या एयरफोर्स में वापस जा सकता हूँ? ऐसे अजीब जो ये बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, क्या होते हैं कन्फ्यूज, इनका एक रास्ता नहीं होता, इन्हें मैं सही तैयारी नहीं करा पाता। मैं कहता हूँ एक रास्ता बनाओ। अलीशा आई मेरे पास अपनी सिस्टर के साथ, सिस्टर ने अपनी टेस्ट की तैयारी करनी थी, मैंने अलीशा के बारे में पूछना शुरू कर दिया जिस तरह मैंने इनके बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा अलीशा क्या कर रहे हो? कहती मैट्रिक कंप्यूटर के साथ पेपर दिए हैं, रिजल्ट आने वाला। जब उसकी सिस्टर ने अपने घर के सारे हालात बताए तो उसने मुझे कहा कि सर इसे निकालना है, मैं नहीं चाहती कि ये इस तरह हालत में रहे, ये किसी तरह सेटल हो जाए, क्योंकि जो मैंने फेस किया वो मैं नहीं चाहती ये फेस करे, जिस तरह आपकी ये सिस्टर नहीं चाहती कि आप वो फेस करें जो ये फेस कर रही है। ठीक है, तो मैंने कहा अलीशा फिर एक काम करते हैं, सब घर वालों के खिलाफ जाते हैं, मैट्रिक का एक पेपर दोबारा देते हैं। अब गौर से सुनना, डिसीजन लेना कितना मुश्किल काम है। मैंने कहा मैट्रिक का पेपर देते हैं एडिशनल दोबारा, कंप्यूटर को कन्वर्ट करते हैं बायो में, जिसमें हमें लगेंगे 6 मंथ। कितने मंथ लगेंगे? 6 मंथ। अब कोई और टीचर होता तो वो कहता है मैट्रिक दोबारा कर लेते हैं, नॉलेज था ना, उसे बताया, उसने घर वाले से डिस्कस किया तो घर वाले नहीं माने, ऑब्वियसली नहीं मानते। मेरे उसके अब्बू आए मेरे से मुलाकात करने, तो यहाँ बैठे, यानी वो पुरानी अकेडमी थी किराए की वहाँ पर थे, वहाँ बैठे, तो मैंने ऐसे बैठा, मैंने कहा सर एक काम करेंगे, मैंने कहा अलीशा को ना 6 महीने दे दें आप, फर्स्ट ईयर में आपने दाखिला कराना था? कह रहे हाँ मैंने कराना था। मैंने कहा वो पैसे ना इसके दाखिले के लिए दे दें आप, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, आप दे दें 6 महीने के लिए, अगर ये ना कामयाब हो सकी तो जो आपके दिल में है ना आप कीजिएगा, लेकिन 6 महीने बच्ची को दे दें आप। उन्हें मेरी बातें अच्छी लगी, इंस्पायर हो गए, उन्होंने कहा ठीक है जी। मैंने 6 महीने में तैयारी कराई बायो के साथ, 9-10 दोनों बायो, उसने पेपर दिए और 9-10 में अच्छे नंबर ले लिए बायो में, और हमारी मैट्रिक कंप्यूटर से कन्वर्ट होगी बायो में। उसकी साथ वाली दोस्तें उसे जेलसी में कहती थी, ओ तू पागल है किस टीचर के पास जा रही है, फर्स्ट ईयर करते, वो उसकी दोस्तें फर्स्ट ईयर के एंड तक पहुंच गई थी और वो मैट्रिक का दोबारा कर रही थी, पास होने के बावजूद भी मैट्रिक दोबारा कर रही थी A+ ग्रेड के साथ। सब खानदान वाले उसके खिलाफ, सब कजने खिलाफ, से उसकी सिस्टर उसके साथ थी और मैं साथ था, बाकी सारी क्लास वाले भी उसके क्या थी खिलाफ। यानी कि सही डिसीजन लेने की निशानी यह है कि सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे खिलाफ, ये पहली निशानी है। ठीक है, हो गए सारे खिलाफ। अब उसका मैट्रिक बायो के साथ पास भी हो गया, ये जनवरी की बात बता रहा हूँ आपको, जनवरी से पिछले नवंबर की, दिसंबर की एयरफोर्स की जॉब्स आनी थी, एयरफोर्स की जॉब्स आई मैट्रिक लेवल पे और ओनली फॉर बॉयज, गर्ल्स की सीट ही नहीं आई। मैं सिर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा ओह क्या हो गया हमसे, गर्ल्स की जॉब ही नहीं आई, और वो 6 महीने मेरे पास तैयारी करने आती रही यहाँ हेर से आगे गांव में, वहाँ से उसकी मामा लस्सी बहुत अच्छी बनाती थी। ठीक है, लस्सी बहुत लेके आती थी मेरे, तो हो गया। उसके बाबा ने कहा कि सर अब ना इधर के ना उधर के, हम तो फर्स्ट ईयर में करा देते तो आज फर्स्ट ईयर की होती है। मैंने कहा सर सब्र रखें, आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं कराना। घर में बहुत ज़िद बस हुई उसके, मैंने कहा बेटा रड़ नहीं फर्स्ट ईयर करने, वो रड़ी घर में ज़िद बस हुई, उसके घर से निकलना उसका बंद हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने कहा बेटा यकीन मानो अगर हमने फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया तो अल्लाह तुम्हें एयरफोर्स में नहीं भेजेगा। कहती अगर भेजना होता तो अभी जॉब दे देता। मैंने कहा नहीं, अल्लाह देख रहा है क्या तुम कोई और रास्ता निकालते हो, और जब तुम तो कोई रास्ता निकालोगे ही नहीं तो अल्लाह तुम्हारा एक ही रास्ता निकालेगा, वो होगा पाकिस्तान एयरफोर्स, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं लिया, कश्ती को जला दिया मुकम्मल तौर पर। क्या किया? मुकम्मल तौर पर कश्ती को जला दिया। देन अभी गर्ल्स की जॉब आई थी पाकिस्तान एयरफोर्स की, और शी इज़ स्ट्रॉन्गली रिकमेंड इन पाकिस्तान एयरफोर्स, ड्राइविंग कर दो उसके लिए। ठीक है, वो रिकमेंड होगी। अब वही बाबा, अरे मैंने तो बचपन में ही कहा था मेरी बेटी कुछ बनेगी। वही मामा चाचा, मैं तो कहता हूँ अपनी बेटियों को ना हम घर से बाहर नहीं जाने देंगे,
अब वो बताती है कि सर जी वही लोग हैं, सब बदल गए हैं, कोई मेरा माथा चूमता है तो कोई मेरा हाथ चूमता है, कोई कहता है मेरे खाने में जायका है, उस टाइम तो मेरे चलने में भी जायका नहीं था, खाने में भी जायका नहीं था, तुम बदनसीब हो, तुम ये हो वो, इतनी बुराइयाँ मेरे में निकाली कि कुछ हद नहीं। और अब तो वो ख़ानदान के रिश्तेदार जो नाराज़ बैठे हैं वो कहते हैं ये तो हमारे घर आएगी, ये तो ये होगा वो होगा। ये है दुनिया बच्चों, समझ आई? दुनिया क्या है? लालची। क्या है? लालची। ये बस सच है, दुनिया क्या है? लालची है, सिवाय इस अदारे के अलावा। ठीक है, क्या है? लालची है। जब आप नहीं बनते तो सब आपके खिलाफ होते हैं, लेकिन जब आप बन जाएंगे, अभी आपके सारे खिलाफ होंगे, कहाँ जा रहे हो इतनी दूर। आप आज बन जाओ, वो टीचर जिसने आपको मैट्रिक में पढ़ाया वो आपकी तस्वीर अपनी अकेडमी के पहले लगा देगा, मेरी स्टूडेंट एयरफोर्स में भर्ती होगी। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, वो सब आपकी तस्वीरें लगाना शुरू हो जाएंगे, वो सब आपके मामा चाचा ताए इवन के घर वाले भी वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो आपको यकीन ही नहीं आएगा, और आपके आगे लाके खाना रखेंगे, ये करेंगे, ये बदल जाएंगे सारे। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए वो काम करना पड़ेगा जो अलीशा ने किया था। अलीशा ने कश्ती को जला दिया था, और मैं भी ज़िंदगी में पिछले 8 साल से कश्तियाँ जला रहा हूँ। जब मैंने APS छोड़ा था तो टीचर्स आए मेरे पास और मुझे कहने लगे कि अब आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा जाना मैंने, आप फिक्रमंद क्यों हो रही हैं? अब आप क्या करेंगे? आपने तो रिज़ाइन दे दिया है, क्या बनेगा आपका? मैंने कहा आप कैसी बातें कर रही हैं? और मेरे माथे पे एक बल भी नहीं था, मैंने अपना अदारा बेचा जब भी बल नहीं था, हम किराए पे आए जब भी बल नहीं था, अपनी जगह ले ली जब भी बल नहीं था। भाई परेशान होने का फ़ायदा ही नहीं है। मेरा मानना ये है कि वो परेशान हो जो अल्लाह को नहीं मानता, और अगर आप अल्लाह को मानते हो तो आपने परेशान नहीं होना। अब ये सोच लो कि आप अल्लाह को कितना मानते हो, इतना मानते हो, इतना मानते हो या इतना मानते हो। और आप में से बहुत ज़्यादा लोग अल्लाह को कम मानते हैं, इसलिए वो रोज़ाना परेशान होते हैं। जिस दिन आप अल्लाह को रियलिटी बेस मानना शुरू हो जाओगे रियल लाइफ में, तो आपकी लाइफ में जितनी बड़ी मुश्किलात आ जाए आपके माथे पे बल नहीं आएगा, और आपको पता होगा कि मैंने डिसीजन लेना है, उस पर क्या रहना है, कायम रहना। तो गर्ल्स गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएँ, अपने आपको जज करें, गूगल पे जाके सर्च करें, मेजरमेंट करें अपने हाइट की, वेट की, पर्सनैलिटी को देखें, एजुकेशन को देखें, और रास्ता निकालें। लेकिन लड़कियों के लिए जॉब तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में 70% गर्ल्स जो सी हैं वो पढ़ाई के बावजूद भी सेटल नहीं हैं। आपको हर गली में MA उर्दू नज़र आएगी, हर किराए के घर में एक MA पास लड़की नज़र आएगी, लेकिन आपको वो सिलाई करती नज़र आएगी। उसकी वजह क्या है? उसे उस कागज़ के टुकड़े का इस्तेमाल ही नहीं पता। देखते रहें चैनल सर वकाबे, अल्लाह हाफिज़।